जी अस्सलाम वालेकुम। पीपीएससी का जो न्यू पैटर्न जो चेंज हुआ है उस हवाले से ये वीडियो है, तो इसको एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह ये बड़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए। इसमें हम पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी का मुकम्मल मवाद हमने दिया है, और इसके अलावा रहनुमाई दी है, वेबसाइट्स, लिंक्स, किताबें कौन सी पढ़नी है, सारा ईच एंड एवरी थिंग अवेलेबल होगा और इस वीडियो में, तो इसको एंड तक देखिएगा। पहले तो ये होता था कि पीपीएससी का जो पैटर्न जो था उसके मुताबिक 80% जो है ना वो एमसीक्यूज इम्तिहान शायद से आते थे, 20% ऑलमोस्ट जो है ना वो न्यू पेपर में से आते थे, न्यू क्वेश्चन आते थे। लेकिन चूंकि अब उन्होंने ट्रेंड चेंज कर दिया है, अब ऑलमोस्ट 10% इम्तिहान शायद से आते हैं और जो है ना वो बाकी सारे जो है ना न्यू क्वेश्चन होते हैं। तो इसके लिए जो है ना आपको मैं पोर्शन वाइज आपको चीज़ें बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ पढ़नी है। अच्छा, ये सबसे पहले तो बात की जाए इस्लामिक स्टडी। इस्लामिक स्टडीज़ जो है ना उसके जो है ना 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो न्यू ट्रेंड के हवाले से हैं, और उसमें से आपको जो तैयार करना है वो सबसे पहले तो उमर सीरीज़ तैयार करनी है। इसकी 30 एपिसोड्स हैं, ऑलमोस्ट एक एपिसोड आधे घंटे की है, ठीक है ना। और इसके अलावा इस्लामियात को जो कैप्सल है उसको आपने थॉरली रीड करना है। इसके अलावा जो इस्लामियात लेक्चरर के जो पास पेपर इम्तियाज़ शाहिद के जो पेपर्स हैं ना वो ऑलमोस्ट 8 to 10 बनते हैं, उसको गो थ्रू करना है, उसमें से पेपर आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा कारवान इंसाइक्लोपीडिया के जो पोर्शन है इस्लामियात का उसको आपने देखना है, और लास्ट पे जो है ना पीपीएससी जो इस्लामिक स्टडीज़ जो 8 क्वेश्चन न्यू पैटर्न से आ रहे हैं उन क्वेश्चंस के टॉपिक वाइज आपने स्टडी करना है। लाइक जो भी ये एक क्वेश्चन आ गया उस टॉपिक के लिहाज से उसको कवर करना है। तो इस तरह इंशाल्लाह ताला ये आपका इस्लामिक स्टडीज़ का पोर्शन कवर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जनाब मैथमेटिक्स का है, 7 नंबर का मैथ आ रहा है, और इसमें जो है ना सबसे पहले तो इंडिया बिक्स की वेबसाइट है, ये आपने इसको देखना है। एग्जाम वीडा की वेबसाइट है, इसको देखना है। इन दो वेबसाइट्स में आपने रेशियो, एवरेज, परसेंटेज, एंगल, एजिस, प्रॉफिट लॉस और अलजबरा के क्वेश्चंस हैं, इनको जो है ना इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इंशाल्लाह ताला आपका मैथ कवर हो जाए। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है उर्दू का पोर्शन। उर्दू का पोर्शन ये होता था कि पहले 8 क्वेश्चन होते थे कि वो पास पेपर में से आते थे, वो जो है ना रटे रटाए थे हमें, लेकिन अब उन्होंने ना तरीका चेंज कर दिया है, अब 8 क्वेश्चन न्यू होते हैं और ऑलमोस्ट 2 जो है ना वो पास पेपर के होते हैं। तो इसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि कलीदे उर्दू बुक है, और इसको आपने पीपीएससी एमसीक्यू ट्रेंड के मुताबिक अब आपने तैयार करना है। इसके अलावा पास पेपर इम्तियाज़ शाहिद जो उर्दू के क्वेश्चन है उसमें से वो आपने जो है ना वो भी आपने पढ़ने हैं, उसको कहीं न्यू ट्रेंड के वाले से उसको ना वो भूल जाना और उसको नज़रअंदाज ना कर देना। इसके बाद जनाब आ जाता है इंग्लिश पोर्शन। इंग्लिश पोर्शन जो है ना इंग्लिश 16 नंबर की पूछी जा रही है। सबसे बेसिक जो जो आपने चीज़ तैयार करनी है वो इंग्लिश, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इस पोर्शन से आ रहे हैं। डियर सर इंग्लिश चैनल है, इससे आपने ये जो चैनल है ये आपने इसकी हर वीडियो देखनी है। माशाल्लाह बहुत इन्होंने अच्छे तरीके से इन्होंने बताया गया कि किस तरह आपने प्रेपोजिशंस करनी है, किस तरह से आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, सेंटेंस करेक्शन, ईच एंड एवरी थिंग जो है इन्होंने बताया। इसी तरह इंग्लिश कनेक्शन चैनल है, और टू दी पॉइंट बुक है, ये आपने इसको रीड आउट करना है, ये बहुत अच्छी बुक है। इसके अलावा रैनन मार्टन उन लोगों के लिए जिनकी बेसिक लेवल ठीक है, स्ट्रोंग है, ठीक है ना, तो उनके लिए रैनन मार्टन बेस्ट है। तो उसके अलावा लास्ट में करीम दास चुगताई जो है ना वो भी आप पढ़ लें, उसके लिए उसमें आपको काफ़ी पीपीएससी एस्पिरेंट के लिए काफ़ी जो है ना वो मददगार साबित होगी। तो इस तरह आप इंग्लिश पोर्शन कवर कर लेंगे इंशाल्लाह ताला आसानी से। अच्छा जी, अगला आप जो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा सबसे पहले लेटेस्ट एमसीक्यूज़ पीपीएससी की और जितना भी पीपीएससी से इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी इंशाल्लाह ताला हम आपको प्रोवाइड करेंगे, तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अच्छा जी, इसके साथ साथ जो है ना वो हमने स्टार्ट किया हुआ है फिज़िकल जो है ना लिमिटेड क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं। माशाल्लाह काफ़ी बच्चे हमारे पास जो है ना आ रहे हैं, काफ़ी चीज़ें उनको सीखने को मिल रही हैं। तो अगर आपने जो है ना लेक्चर फ्री ऑफ कोर्स फिज़िकल लेक्चर लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट करें इंजीनियर मोहम्मद बिलाल है, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। तो इंशाल्लाह ताला हम आपको फर्दर जो है ना इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहेंगे।
अच्छा, इसके अलावा करंट अफेयर का जो है ना, वो 5 से 10 मार्क्स करंट अफेयर के आ रहे हैं। इसमें सबसे पहले तो आपने पाक एमसीक्यूज वेबसाइट्स जो है ना उसको देखना है, और इसके अलावा 9 PM की जो डेली की न्यूज़ है वो कोई भी है वो देख लें। कोशिश करें PTV न्यूज़ सुने, क्योंकि वो ज़्यादा ऑथेंटिक होती है। इसके अलावा ट्राई टू रीड डॉन न्यूज़पेपर मेन हेडिंग्स जो है ना, इफ़ पॉसिबल, मतलब डॉन न्यूज़ की जो आपने मेन हेडिंग जो है ना वो देखने हैं, क्योंकि ये जो पेपर बन रहे हैं ये डॉन न्यूज़ में से जो है ना वो अगर जिसने अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है ना, तो उसके लिए बड़ी करंट अफेयर को टैकल करना बड़ा ईजी हो जाए। इसके अलावा पोर्शन आता है कंप्यूटर का। कंप्यूटर पहले होता था कि कोई ना 8-9 नंबर का पोस्ट रहता था, लेकिन अब उन्होंने कंप्यूटर की रेशियो चूँकि कम कर दी है, ठीक है, तो इसके लिए जो बेसिक जो कंप्यूटर आप आ रहा है वो बेसिक लेवल का आ रहा है। इसमें इतना ज़्यादा कोई हैक्टिक मामला नहीं है। अब ज़रा थोड़ा सा ईजी पूछने लग पड़े कंप्यूटर, और पोर्शन की नस्बत कंप्यूटर पर उन्होंने ज़रा हाथ हल्का रखा है। इसके लिए आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जो पास पेपर इम्तियाज़ शाहिद के हैं उनमें डाटा एंट्री ऑपरेटर और जूनियर कलर के पेपर, पास पेपर वो आपने नहीं छोड़ने, उनको आरफ बारफ करना है। और दूसरा आपने जो है ना रीड एग्जाम वीडा वेबसाइट, उसको पावर पॉइंट, MS Excel और वर्ड के जो पोर्शन है उसको आपने कवर करना है। इसके बाद जनाब आ जाता है पोर्शन हिस्ट्री और पाक स्टडी। ये ऑलमोस्ट 5 नंबर का पूछ रहे हैं। आपने 8वीं से 12वीं तक का जो पाकिस्तान स्टडी का जो है ना वो बुक पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, उसको आपने थॉरली रीड करना है, ठीक है ना, जिससे आपकी बेसिक स्ट्रांग हो जाएगी। इसके अलावा पास पेपर इम्तियाज़ शाहिद के जो है ना वो आपको मैं कह रहा हूँ वो आपने अभी तक नहीं छोड़ना उसको, क्योंकि न्यू ट्रेंड चेंज हुआ है। माना कि उसमें से 10% परसेंट आ रहा है, लेकिन विद इन 5 to 6 month ये जो है ना ट्रेंड चेंज होगा फिर पास पेपर पे। तो जिसने ना तैयार किए तो उसको बड़ी मुश्किल होगी जनाब, तो वो आपने हिस्ट्री और पाक स्टडी के जो है ना लेक्चरर के पेपर उसको पढ़ने हैं। तो इस तरह इंशाल्लाह आपको ये पोर्शन कवर हो। इसके अलावा जी GK पोर्शन है सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा जो पोर्शन PPSC में पूछे जाने वाला। इसके लिए आपने कारवान इंसाइक्लोपीडिया जो है ना वो रीड आउट करनी है, उसका GK पोर्शन और रीड GK कैप्सूल, और इसके अलावा पास पेपर जो है ना आपने इम्तियाज। तो थैंक यू सो मच आपका, आपने वीडियो देखी। हमारी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को जो दबा क्लिक कर दें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो जो है ना वो मौसूल होती रहे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ आपका। थैंक यू सो मच।